Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is our next video with regard to the social group. Social group का part 1 में हम लोग social group के meaning, उसकी definitions, उसके features, इन सब चीजों पे बात कर चुके थे. So आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं types of social group. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ types के name mention किए हैं. One by one we will explain each and every type. हम ये सारे type को एक एक करके explain कर लेंगे. बट यहाँ पे बोर्ड पे इस समय पे जो चीजें लिखी हुई हैं मैं नोट्स में आप लोगों को सेंड कर ही दूंगी. तो यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर चीजों से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं. एक्सप्लेनेशन से कुछ कुछ ग्रुप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको लिख के दे दो, पूछे बताइए कौन से ग्रुप के बारे में जिक्र हो रहा है या बात हो रही है. बट अगर नाम से क्वेश्चन आता है जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, स्मॉल एंड बिग ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रेफरेंस ग्रुप के बारे में कौन बात करता है, रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो इस तरीके से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअल बनते हैं. और बहुत सारा फैक्ट होता है कैसे रिटेन करें. तो रिटेन करने का एक ही तरीका है कि चीजों को पहले चार पांच बार फास्ट रीड कर लो, फिर खुद को एक बार सुनाओ. उन 10 में से 11 में से आपको जरूर फॉर श्योर चार पांच बार पढ़ने से चार नाम याद हो गए होंगे. फिर उसको अगेन 3 बार पढ़ो, क्या नहीं याद किया, कुछ गलत बोला तो पढ़ो 5-10 बार पढ़ने में और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. इसे अगर रीड करें तो 1 मिनट लगेगा ये 11 आपको पढ़ने में. तो सिर्फ 10 मिनट देने में ये चीज याद हो रही है और आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है, राइट? तो ये चीज तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ही है. चलिए तो अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप दैट इज गिवन बाय सीएच कूले. अब मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको समझा चुकी हूं तो मैं सीधा शॉर्ट में डायरेक्ट बात करूंगी, राइट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप की बात करूं, मैंने किनशिप में पढ़ाया था आपको याद करो. प्राइमरी जो चीज बहुत डायरेक्ट होती है, प्राइमरी क्या होती है, जो चीजें बहुत डायरेक्ट या फिर क्लोज होती है. मतलब ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग, पहली बात तो ग्रुप होगा इंडिविजुअल का कलेक्शन, कुछ लोग होंगे. तो प्राइमरी में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनसे आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है, जिनसे आपका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है, लाइक योर फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, फैमिली मेंबर से हमारा बहुत ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन होता है. फैमिली में आपके मदर फादर सिबलिंग, शादी के बाद आपकी फैमिली बनती है हस्बैंड वाइफ, तो प्राइमरी ग्रुप में ये सब ग्रुप मेंबर चले जाएंगे. प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो आपकी डेवलपमेंट में एक तो आप पे बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आप बिल्कुल जन्म आपने अपने परिवार में लिया है, तो वहां का कल्चर, वहां की लैंग्वेज, हर चीज का आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा. प्लस ये सोशलाइजेशन में या फिर डेवलपमेंट में, एक इंडिविजुअल, एक बच्चे ने जन्म लिया एक परिवार में, सोशलाइजेशन पे भी हम बात कर चुके हैं. तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे या फिर उस बच्चे के डेवलपमेंट पे भी ये ग्रुप बहुत डायरेक्ट प्रभाव, इन्फ्लुएंस जो है वो डालता है. देन कम सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी कोई चीज जो बाद में आ रही है, बाद में मतलब ये लेटर ऑन आपकी लाइफ में ये ग्रुप क्रिएट होगा और किसी पर्पस से क्रिएट होगा. ऐसे नहीं कि बन गया, आप स्कूल गए हो, पढ़ने गए हो, तो वहां एक पर्पस था नॉलेज लेना, वहां पे एक क्लास ग्रुप बना. किसी म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, कहीं भी जा रहे हो तो एक पर्पस से गए हो. और कई बार ये ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, आपका किसी चीज में इंटरेस्ट था, वहां पे आपने आप इन्वॉल्व हुआ एंड देन एक ग्रुप क्रिएट हुआ. तो ये कई बार गोल ओरिएंटेड होते हैं, एम इसमें स्पेसिफाइड होता है. सेकेंडरी ग्रुप में ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट आप पे नहीं डालते हैं जितना प्राइमरी ग्रुप डालते हैं एज कम्पेयर. ऐसा नहीं कि सेकेंडरी इंपैक्ट ही नहीं डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू प्राइमरी उतना डायरेक्ट इंपैक्ट ये नहीं डालते हैं. सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप गिवन बाय सीएच कूले. नेक्स्ट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप गिवन बाय डब्ल्यूजी सनर. अब यहाँ पे क्या है, इन एंड आउट. इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर. जब आप किसी ग्रुप के अंदर हो दैट इज इन ग्रुप, आप किसी ग्रुप के बाहर हो दैट इज आउट ग्रुप. अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए. इन ग्रुप में मतलब जब आप किसी से इंक्लूड फील कर रहे हो, एसोसिएटेड फील करो कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं. जैसे मेरी फैमिली, फैमिली का मैं पार्ट फील करती हूँ ना, दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. अस वाली फीलिंग आती है इन ग्रुप में. हम अस वाली फीलिंग लेके चलते हैं कि हम सबकी बात कर रहे हैं, वेलबींग सबकी बात की जाती है. तो जिस ग्रुप से आप डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं दैट इज योर इन ग्रुप. और जिस ग्रुप का हम डायरेक्टली पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में मेरा दोस्तों का ग्रुप है, चार हम अच्छे दोस्त हैं, तो वो चार मेरे क्या हो गए, मैं, हमारे लिए वो इन ग्रुप हो गया, राइट? लेकिन वही क्लास में और जितने क्लासमेट्स हैं बाकी, वो हमारे लिए आउट ग्रुप हो गया. डन. तो जिसका आप डायरेक्टली पार्ट हो, जैसे ऑफिस में डिपार्टमेंट होते हैं प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग. अब आप मार्केटिंग टीम में हो तो मार्केटिंग आपके लिए क्या हो गया, मार्केटिंग आपके लिए इन ग्रुप हो गया, आप मार्केटिंग में हो. बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस और ग्रुप है वो आपके लिए आउट ग्रुप हो गया. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप. नोट्स में सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, मैं बस आपको समझा रही हूँ. आई विल सेंड यू द पीडीएफ, वहां पे आप रीड करिएगा. इनकेस किसी वर्ड, किसी कॉन्सेप्ट, किसी लाइन, किसी भी और टाइप में आपको डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. फिर होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. अब क्या मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ये, वर्टिकल होता है ये, यही होता है ना. हॉरिजॉन्टल अ लाइन लाइक दिस, वर्टिकल इज अ लाइन लाइक दिस. तो हॉरिजॉन्टल मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर हैं
वो सेम लेवल के हैं। अब वो सेम लेवल मतलब सेम स्टेटस, सेम इनकम ग्रुप के, सेम कास्ट के, मतलब वो सेम ग्रुप पे इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है एक कंपनी का सीईओ और एक कंपनी का वर्कर है, नो। अगर एक ग्रुप हॉरिजॉन्टल है यानी सारे वर्कर्स, जैसे वर्कर्स ने अपनी यूनियन बना ली तो उसमें सारे वर्कर्स है, उसमें सीईओ या मैनेजर नहीं है, तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। बट अगर एक ओवरऑल टीम बनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ मेंबर हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल मैनेजर भी हैं, जैसे कंपनी की एक स्ट्रक्चर होता है सीईओ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट के मैनेजर, जैसे मार्केटिंग, एचआर, सेल, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, फाइनेंस, इस तरीके से ये डिपार्टमेंट है। और इन सबके नीचे कौन काम कर रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिर्फ वर्कर्स ने अपना ग्रुप बना लिया है कि वर्कर्स यूनियन, हम अपने राइट के लिए ग्रुप बना रहे हैं, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। सेम स्टेटस, सेम कास्ट या सेम इनकम ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हॉरिजॉन्टल में आते हैं। वही वर्टिकल में कौन आते हैं, इस तरीके से हायरार्की, जैसे कास्ट बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो कास्ट ग्रुप है पूरा, ये कास्ट की हायरार्की, कास्ट का जो डिवीजन है, ये हो जाएगा वर्टिकल ग्रुप। क्लियर? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया किसने था, मिलर ने दिया था। देन वी हैव टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल। टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल आप देखो तो पार्क एंड बर्गेस ने दिया, ये हमने देख लिया। टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल की अगर हम बात करें, टेरिटरी होता है एरिया, बहुत बेसिक एग्जांपल से, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ। पहले तो ये आप तो लोग किसने दिया, पार्क एंड बर्गेस ने, क्वेश्चन यही बनेगा, मीनिंग से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल समझते हैं। आपके जो सोसाइटी होती है ना जहाँ पे हम रहते हैं, कई बार आप देखते हो वहाँ पे RWA बनता है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। अब ये जो RWA आपकी सोसाइटी का है, क्या ये आपके दूर दूसरे स्टेट में रहने वाले रिलेटिव के लिए भी वही RWA होगा? नहीं, उनकी सोसाइटी का, उनकी कॉलोनी का, उनके यहाँ के रेजिडेंस मिलके अलग बनाएंगे। तो वो एक टेरिटरी तक ही तो लिमिटेड था, वो एक टेरिटरी तक ही तो लिमिटेड था, उस टेरिटरी के लिए वो RWA था, इस स्टेट के लिए ये लॉ आया है, राइट। जैसे किसी स्टेट के अलग अलग कोर्ट ने कोई लॉ दे दिया कि इस स्टेट में इंप्लीमेंट होगा, तो वो सारे स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। बट वही कोई चीज पैन इंडिया लेवल पे आ गई, मैं कह रही हूँ कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की यूनियन बनाऊंगी, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, नो, ऑल इंडिया स्टूडेंट। तो जिसकी भी पिटीशन, जिसकी भी मतलब जिसकी भी जो कंप्लेन है, जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स है, आप मेरे पास आके मेंशन कर सकते हो। तो ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन है, क्या उसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री या टेरिटरी की मैंने बात की? नहीं। तो जब टेरिटरी फिक्स हो, स्पेसिफाइड हो, तो उस टेरिटरी के विद इन जो ग्रुप बन रहे हैं वो टेरिटोरियल है, एंड जब देयर इज नो सच बाउंडेशन और बाउंड्री लाइक द टेरिटरी, तो वो नॉन टेरिटोरियल हो जाता है। डन। आते हैं अगले पे, स्मॉल एंड बिग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज सिमिल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। तो स्मॉल एंड बिग का कॉन्सेप्ट, स्मॉल ग्रुप एंड बिग ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जॉर्ज सिमिल। अब आप बोलोगे क्या मुश्किल है, स्मॉल मतलब छोटा ग्रुप, बिग मतलब बड़ा ग्रुप। बिल्कुल सही बात है, वही है। जब दो या तीन लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं तो वो स्मॉल ग्रुप हो जाता है। जैसे दो लोग हैं तो हम उसको कह देते हैं डायड, तीन लोग हैं तो हम कह देते हैं ट्रायड। यहाँ पे दो लोगों का ग्रुप है सिर्फ, यहाँ तीन लोगों का ग्रुप है, तो ये स्मॉल ग्रुप है। अच्छा, जब ग्रुप में लोग कम होते हैं तो बताइए बातचीत ज्यादा कर पाओगे, एक दूसरे को ज्यादा बेहतर जान पाओगे, इंट्रैक्शन ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जैसे स्टडी पर्पज के लिए जब हम ग्रुप बनाते हैं तो कम बच्चे हों तो ज्यादा इंट्रैक्शन है, टीचर सबसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, टीचर सबके डाउट आसानी से ले सकता है। लेकिन वहीं जब 100, 200, 300 लोगों का ग्रुप आ जाए तो बाय फेस, बाय पर्सनली टीचर उतना बच्चों को नहीं जानता है, राइट। तो वही चीज है, स्मॉल मतलब दो तीन लोगों का ग्रुप जो है वो स्मॉल ग्रुप, बिग लार्ज ग्रुप जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल हो। स्मॉल ग्रुप में आपके रिलेशन कंपैरेटिवली क्लोज होते हैं, आप एक दूसरे के बारे में ज्यादा बेटर जानते हो, रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज, इनफॉर्मल होते हैं, मतलब आप औपचारिक तरीके से एक दूसरे से डील नहीं करते हो, आप इनफॉर्मल कनेक्टिविटी, एक पर्सनल कनेक्शन हो जाता है। वहीं लार्ज ग्रुप में रिलेशनशिप उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो एक फॉर्मल काइंड ऑफ बॉन्ड और टाइज जो है वो लोगों के बीच में रहता है। डन। नेक्स्ट आ गया मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप। मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप आरके मैटन ने दिया था, और आरके मैटन का नाम अभी मैं आगे रेफरेंस ग्रुप में भी लूंगी। तो मेंबरशिप मतलब जब आप किसी ग्रुप के मेंबर हो, मतलब आपने क्वालिफाई करा है एज अ मेंबर, मेंबर ग्रुप में ऐसे नहीं कि हम तो हैं मेंबर, नहीं। फॉर एग्जांपल एक एग्जाम होता है सीए का, राइट। सीए के एग्जाम आप क्लियर करने के बाद देन आप ICAI इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होते हो, या फिर लॉ के केस में आपको बाद में चैम्बर मिलता है, राइट। इस तरीके से ये चीज मिलेगी कब, जब आप क्वालिफाई कर लोगे तभी। तो आपने लॉ में सिर्फ एडमिशन ले लिया, या फिर आपने एडमिशन ही नहीं लिया, आपको लॉ के बारे में नॉलेज है तो क्या उससे वो सब चीजें मिल जाएंगी? आपको अकाउंट के बारे में नॉलेज है तो क्या आपको ICAI में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, मेंबरशिप मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। वो तभी मिलेगी जब आप क्वालिफाई कर लोगे, मतलब बीइंग अ मेंबर, कि हम एज अ मेंबर डिजर्व करते हैं, तो वो रहता है आपका मेंबरशिप ग्रुप। एंड नॉन मेंबरशिप ग्रुप इज समथिंग वेयर यू आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। हम मेंबर नहीं है बट वी आर रिप्रेजेंटिंग कि हम मेंबर हैं, राइट।
ठीक है, तो आप बस एक सिंबॉलिक एक सिंबल की तरह अपने आप को यूज कर रहे हो कि हम उस ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से आप देख लेंगे। दिया किसने था? डी सैंडरसन ने। इन वॉलेंटियरी मतलब होता है बिना इच्छा के, वॉलेंटियरी अपनी खुद की विश से। तो जब आप अपनी विश से किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो, जैसे हम अपने दोस्त खुद चुनते हैं, हम अपना परिवार नहीं चुन सकते बट हम अपने दोस्त खुद चुनते हैं, तो इन वॉलेंटियरी मतलब आपने जिस परिवार में जन्म ले लिया, आपने जिस कास्ट में जन्म ले लिया, उसमें आपका कोई रोल नहीं था। आप नहीं कह सकते हो, जैसे एक एड था, पता नहीं अब आता या नहीं, उसमें दिखाते हैं बच्चा ऊपर भगवान से बात कर रहा है, भगवान से कह रहा है नहीं इनके घर में अच्छा वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो मैं इनके घर में नहीं जाऊंगा, मुझे किसी और घर में भेजो। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप चूज करो मुझे किस फैमिली या किस कास्ट में जाना है। तो इन वॉलेंटियरी मतलब आप बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हो, चाहे आपकी इच्छा हो आपकी इच्छा ना हो, वहां आपकी मर्जी आपसे पूछी भी नहीं जा रही है। वॉलेंटियरी होता है अपनी विश से, जैसे मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया, बहुत बेसिक एग्जांपल है, आप बहुत सारे एग्जांपल इसमें अपनी तरफ से पिक कर सकते हो। डेलीगेट में सिंपली ध्यान से समझो, थोड़ा मुश्किल डेलीगेट लग सकता है। डेलीगेट क्या होता है कि हम 10 लोग मिलके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, हम 10 क्योंकि उस ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकते, हम 10 के 10 मेंबर नहीं बन सकते, तो हमने 10 में से एक मेंबर चूज कर लिया कि लो हमारे बिहाफ पे इस मेंबर को आप वहां पे बिठा दो और ये हमारे बिहाफ में वहां पे डील करेगा, डिसीजन लेगा, जो भी होगा। तो आप देखो हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में मेंबर भेजते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट करते हैं, एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और उसे वहां पे बिठा देते हैं कि जनता तो सारी नहीं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर सकती है लॉ मेकिंग में, लेकिन हमारे थ्रू सेलेक्ट किए गए जो रिप्रेजेंटेटिव है दे विल सिट इन द पार्लियामेंट एंड दे विल मेक द लॉज एंड बिल फॉर अस, राइट। तो जब हम चुनते हैं कुछ लोग कि हमारे बिहाफ पे दिस रिप्रेजेंटेटिव विल सिट एंड टेक द डिसीजन, तो दैट इज द डेलीगेट ग्रुप, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेट ग्रुप। देन जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट, गिडिंग्स ने दिया था, याद रखना, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? गिडिंग्स ने दिया, याद रख लेना इसको। जेनेटिक होता है आपकी फैमिली, जीन्स फैमिली से तो आते हैं, किसी बाहर वाले के जीन्स थोड़ी ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो जेनेटिक इज समथिंग जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जेनेटिक ग्रुप इज योर फैमिली। कॉन्ग्रीगेट इज जिसका पार्ट आप बनना चाहते हो, मैंने बताया ना फैमिली तो एक तरीके, अब ओवरलैप भी तो कर रहे हैं ना, देखो जेनेटिक एक तरीके से इनवॉलेंटियरी ग्रुप ही तो हो गए, फैमिली इनवॉलेंटियरी तो थी और कॉन्ग्रीगेट और वॉलेंटियरी हो गए। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है, नाम अलग अलग दे दिए लेकिन कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये लोग सेम बात कर रहे हैं। कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है वो जिसका आप अपनी इच्छा से पार्ट बने हो, आपने खुद ज्वाइन करा है उस चीज को, जैसे मैंने ज्वाइन कर ली योगा क्लासेस तो मैं खुद उस ग्रुप का मेंबर बनी हूं, डन। तो ये हो गया कॉन्ग्रीगेट। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ जेमिनी शाफ्ट, जेसल शाफ्ट, इसको मैं अलग से भी छोटी सी क्लास लेके आपको बताऊंगी, याद रखना। फ्रेडिनेंड टॉनस ने ये कंसेप्ट दिया है, ये बात करता है कम्युनिटी एज अ होल की, ये बात करता है सोसाइटी की। यहाँ पे आपके जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मल मतलब इनफॉर्मल होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, इनफॉर्मल एंड क्लोजली कनेक्टेड, राइट। इनफॉर्मल जहां भी होगा वहां लोग क्लोजली कनेक्टेड होंगे और यहाँ पे फॉर्मल रिलेशन होते हैं और आप उतना क्लोजली कनेक्टेड नहीं होते। किसने दिया ये कंसेप्ट? फर्डिनेंड टॉनस ने दिया। आगे बात करते हैं अनसोशल। अनसोशल क्या होता है? जो सामाजिक नहीं है, हम कहते हैं यार क्या आदमी ये सोशल ही नहीं है बिल्कुल, मतलब जो सोसाइटी में उतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, सोसाइटी के ग्रुप से जो आइसोलेट होके रह रहा है, दैट इज अनसोशल। देन नेक्स्ट वन इज कि जहां पे आप सोसाइटी के एज अ होल लार्जर इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, लार्जर लाइफ को क्या कर रहे हो, अपने गेन के लिए आप यूज कर रहे हो। You are not thinking of the society as a whole. You are talking for your personal gain. हम अपना personal फायदा देख रहे हैं, right? हम अपना क्या देख रहे हैं? Personal फायदा देख रहे हैं। और anti-social जब भी किसी के आगे anti word आ जाता है, इसका मतलब वो बिल्कुल opposite काम कर रहा है society के against। Anti मतलब social is society, तो ये जो वो group है जो against the society है, जैसे कि communal rights भड़काने का काम आप कर रहे हो कि सोसाइटी में दंगे हो जाए, सोसाइटी में लड़ाइयां हो जाए, या सोसाइटी में हम सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, सोसाइटी को एंड करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो दे आर अगेंस्ट द सोसाइटी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज, एनवायरमेंट के अगेंस्ट जाने की आप कोई बात कर रहे हो, ग्लोबल ऐसी कोई चीज कर रहे हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और आप उस चीज को प्रमोट करते जा रहे हो एज अ ग्रुप, तो ये सब आपके एंटी सोशल हो गए। ये जॉर्ज हेसन ने दिया था। प्रो सोशल में हम बात करेंगे, प्रो सोशल इज अगेंस्ट एंटी सोशल, ये अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं है, ये फेवर में है सोसाइटी के, ये सोसाइटी के फेवर की बात करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल, सोसाइटी में सब लोग आ गए, सोसाइटी में सब लोग आ गए। यहाँ पे ये पर्सनल गेन की बात कर रहे थे, इग्नोरेंट ऑफ द सोशल फैक्ट, यहाँ पे आइसोलेटेड रह रहे थे, सोसाइटी से मतलब ही नहीं है, ये एंटी सोशल अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ ऐसे पॉइंट जो सोसाइटी के फेवर में नहीं जा रहे हैं, एज अ होल अगेंस्ट है, ये सबके फेवर की बात कर रहा है। देन आता है, ये हो गया 11 नंबर, यहां तक हमने देख लिया, ये सब डिविजन के बेसिस पे हमने देखे।
फिर आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप को लेके अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले के हर्बर्ट हेमैन, हर्बर्ट हेमैन ने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप, जिसको बाद में आके मैटर ने भी एक्सप्लेन करा। डन। अब रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, जिसे हम इससे रेफर करते हैं। रेफरेंस ग्रुप इज समथिंग जिस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो, जिसकी तरह बनना चाहते हो। जैसे आप एस्पायर करो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, किसी फिजिकल फिट पर्सन को, किसी नेशनल लीडर को, नेशनल हीरो जो रहे हैं, किसी मिलिट्री पर्सन को, किसी को भी देख के आप चाह रहे हो दैट आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप, आई वॉन्ट टू बी लाइक इस पूरे ग्रुप का, जैसे एलीट ग्रुप ऑफ द सेक्शन है। तो कई बार आपका मन कर रहा है कि नहीं, मुझे भी इस क्लब का पार्ट बनना है, मुझे भी इस तरीके की ग्रुपिंग और गैदरिंग में एंगेज रहना है। तो रेफर कर रहे हो आप उनको और उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हो। इज इट क्लियर? अब इसमें भी कुछ टाइप है, इसके भी कुछ टाइप है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राइट। अच्छा, रेफरेंस ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे भी हो सकता है, मतलब आप पॉजिटिवली भी किसी से एस्पायर हो सकते हो, ये भी हो सकता है, और नेगेटिव मतलब कि ऐसा नहीं करना है, ये भी हो सकता है। तो इसमें एक होता है रेफरेंस में ही मेंबरशिप, मेंबरशिप मतलब क्या है कि आप किसके लिए, लेट मी सी कि कहीं वीडियो स्टक ना हो जाए बीच में। ओके, ठीक है, इट इज वर्किंग फाइन। मेंबरशिप क्या होता है, मेंबरशिप जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, आप उस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर अडॉप्टिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द ग्रुप। आप उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए उस ग्रुप के जो भी बिहेवियर है, वो जो भी वैल्यूज फॉलो करते हैं, नॉर्म्स फॉलो करते हैं, आप भी उसको कॉपी करने लग जाते हो टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। फिर आता है एस्पिरेशनल, इसी में आता है एस्पिरेशनल, जिसे आप एस्पायर करते हो, आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन सिंपली हो गया ग्रुप जिसकी तरह आप एस्पायर करते हो, पार्ट बन, मतलब जिसका पार्ट आप बनना चाहते हो। थर्ड वन इज डिसोसिएटिव। तो डिस वर्ड लग गया, इट मीन्स हमें ऐसा नहीं बनना है, राइट? हमें इस तरीके का नहीं बनना, हमें ये नेगेटिव चीजें इनकलकेट नहीं करनी, हमें उस पर्सन की तरह ये सब काम नहीं करना, राइट? जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो सोशल मीडिया में इतने सारे इन्फ्लुएंसर वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं अलग अलग तरीके का। सो समटाइम कुछ लोगों को देख के लगता है व्हाट दे आर डूइंग, हालांकि व्यूज है, हालांकि दे आर वेरी मच पॉपुलर, बहुत सारे पीपल ऐसे आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को कुछ नाम माइंड में आ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि दिस इज नॉट द थिंग दैट वी कैन डू, ये तो बकवास चीज है, ये तो कुछ भी करके कोई इंसान आगे निकल रहा है, राइट? जैसे कि मेरे माइंड में एक टाइम पे क्लियर था, व्हेन आई गॉट द ऑफर फ्रॉम वन ऑफ द वेरी बिग प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द वेरी बिग एडटेक कंपनी, मेरे माइंड में वो क्लियर था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, बिकॉज आई कैन नॉट कि मैं किसी और की टी शर्ट पहन के उनके शर्तों पे, उनकी कंडीशंस पे उनके कोर्स को बेचू, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो वो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई हैव द चांस, बट आई डिड नॉट डू दैट। बहुत धीरे धीरे 3-4 सालों में घिसट के दो तो कदम चल के, कई बार बीच में रुक के, स्टॉप होके हम आगे बढ़ रहे हैं। यूट्यूब चैनल की मैं बात कर रही हूँ तो, लेकिन फिर भी हमें पता था कि हमें ऐसा नहीं करना है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरी चीज में बिल्कुल कोई चीज गलत है, बट दैट इज नॉट दैट आई वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ, राइट? सो दैट इज डिसोसिएटिव ग्रुप। आर के मेहता ने भी आगे रेफरेंस ग्रुप की बात की है, तो दिस इज द थिंग, दैट इज द टाइप ऑफ द ग्रुप। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो क्या वहां पे फीचर्स पूछे जाएंगे? नॉट एट ऑल। आपको पता है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो क्या इसके फायदे नुकसान पूछे जाएंगे? नॉट एट ऑल। बट दैट इज डियर इन द नोट्स, दैट इज इन द नोट्स, यू कैन रीड आउट दैट। इन सबकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नोट्स में है, मैंने समझा दिया है। इनकेस कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मेंशन कर सकते हो। दिस इज द वीडियो दैट आई एम प्लानिंग कि मैं यूट्यूब पे भी रखू, बिकॉज ये वीडियो DSSB वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको रखती हूँ यूट्यूब पे भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच। बट हाँ, नोट्स तो पेड क्लास वाले स्टूडेंट के पास ही जाएंगे, और बाकी इस वीडियो को ऐप पे भी ऐड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर विद रिगार्ड टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन।